माधवनगर थाना क्षेत्र में स्नेचिंग करने वाले बदमाश की अंतिम लोकेशन शांति पैलेस के पास मिली है। कमांड सेंटर में लगे सीसीटीवी फुटेज में उसे लिनन शोरूम के सामने नानाखेड़ा चौराहे और अंतिम बार शांति पैलेस चौराहे पर देखा गया है। इससे ये माना जा रहा है कि बदमाश हरी फाटक ब्रिज के आसपास की किसी बस्ती में हो सकता है। फिलहाल एक के बाद एक हो रही स्नेचिंग की वारदातों से पुलिस बैकफुट पर है। आईजी संतोष कुमार सिंह ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से खुद पूरे मामले को देखने को कहा है। चैन स्नेचर माधवनगर थाना क्षेत्र में लगातार बेखौफ वारदात कर रहा है। मंगलवार की शाम 7 बजे सेठीनगर चौराहे पर उसने सुशीला देवी कासलीवाल की चेन उड़ाई थी। बुधवार की शाम उसने दशहरा मैदान क्षेत्र में माधव साइंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रुति शर्मा की चेन खींच ली थी। पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। 1 मिनट 5 सेकंड के इस वीडियो में स्नेचर बाइक से श्रुति शर्मा के सामने से संजीवनी अस्पताल की तरफ जा रहा है। 10 सेकंड बाद वह बाइक आगे लगाकर पैदल पीछे आता है। सड़क के एक तरफ रुककर एक्टिवा पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रही श्रुति शर्मा के थोड़ा आगे जाकर वह तेजी से पलटकर पीछे आता है। इसके बाद वह एकदम से पलटकर श्रुति शर्मा के पास आता है और चेन खींचकर अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगा देता है। यहां से अपनी बाइक लेकर वह भाग निकलता है। वारदात के बाद स्नेचर की पहली लोकेशन कुछ ही देर बाद नानाखेड़ा चौराहे पर मिलती है। इसके थोड़ी देर बाद वह शांति पैलेस चौराहे पर देखा जाता है, लेकिन इसके बाद स्नेचर की लोकेशन नहीं मिलती। ऐसे में माना जा रहा है कि स्नेचर हरी फाटक ब्रिज के आसपास की किसी कॉलोनी से हो सकता है, क्योंकि हरी फाटक ओवर ब्रिज पर कैमरे लगे हैं और इन कैमरों में उसकी लोकेशन नहीं आई है। अब पुलिस इस क्षेत्र में स्नेचर से मिलते हुए वालों का रिकॉर्ड निकाल रही है। पुलिस अभी तक इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिकतर वारदात शाम के समय हो रही है और स्नेचर के निशाने पर केवल महिलाएं हैं। इनमें भी वह उन महिलाओं का अपना शिकार बना रहा है जो उम्र दराज हैं।